पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना जनसंपर्क तूफानी तरीके से कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी भी अपना तूफानी दौरा करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शेरो शायरी से जनता का दिल जीत रहे हैं, लेकिन होने वाले मतदान में इस भीड़ को बदल पाने में वो कितना सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इमरान प्रतापगढ़ी की हर शेरो शायरी पर दर्शकों की तालियां कुछ समय तक लगातार बजती रहती, जिससे इमरान प्रतापगढ़ी फूले नहीं समा रहे। देखना ये होगा कि जितनी भी इनकी इन सभाओं में भीड़ आ रही है, क्या उतना ही वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिल पाएगा। डॉक्टर उदय प्रताप का एक शेर है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं अपने उन तमाम गुमनाम सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ जो पर्दे के पीछे रह करके ऐसी किसी भी मीटिंग को खूबसूरत बनाते हैं। आज मैं आपके जज्बे की वजह से इतना उत्साह में हूँ, इतना जोश में हूँ कि आज दिन भर में हम तकरीबन 12-13 मीटिंग निपटा करके आ रहे हैं ठाकुर द्वारा और कांठ के इलाकों में, और जो जुनून, जो हौसला, जो हिम्मत आज मुझे छोटे छोटे इलाके के लोगों में दिखाई पड़ी है वो बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ हाथ है और हाथ के साथ है। डर मुझे भी लगा फासला देख कर, जब मैं पहले दिन आया था तब का मंजर और अगले मिसरे में आज का मंजर, कि डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता, लगा फासला देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला मुझे भी लगा रास्ता देख कर, नहीं राहे हक में सर देना। आपसे कह रहा हूं ये शेर लेके घर जाइएगा, जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, हमारे मुल्क को ऐसे ना राह बर देना, मैं जंग लड़ने चला हूं तेरे भरोसे पर, मैं जंग लड़ने चला हूं तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना।